शहर में कोरोना वायरस के मरीजों को लेकर मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनसुईया गवली सिन्हा ने पत्रकार से चर्चा में बताया कि हमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभी तक विदेशों से आए 410 यात्रियों की लिस्ट प्राप्त हुई है। इसमें 159 का सर्वे किया जा चुका है। कुल 118 लोगों को होम आइसोलेशन में भेजा गया। कोरोना वायरस संक्रमण के आज दिनांक तक 34 संदिग्ध केस की जांच की गई है। वहीं 13 नए मरीजों को माधवनगर अस्पताल में आइसोलेशन के लिए भर्ती किया गया है। 34 सैंपल भेजे गए हैं, जिनमें से 9 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अभी तक कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है। इंदौर में भर्ती उज्जैन के कोरोना वायरस कमालुद्दीन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो इस समय इंदौर में सीधे भर्ती हुआ है। यह मृतक रबे बी का पुत्र है। हम लोगों ने जिले में सर्चिंग किया और सैंपल कोरोना सेंटर भेजा है। जो पॉजिटिव निकला था, इसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद हम लोगों ने हमारे कॉन्टेंट सौर से बढ़ा दिए हैं। अभी तक 22 लोगों को आइसोलेशन में भर्ती कर 12 लोगों के सैंपल भेजे जा चुके हैं। इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही आ जाएगी। इंदौर में भर्ती एक पॉजिटिव मरीज के कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ थे, उसकी जाँच की जा रही है। फिलहाल वहाँ इंदौर में ही है। यहाँ की तैयारियाँ युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अधिकारी, कर्मचारी व कलेक्टर, कमिश्नर, IG व SP का पूरा सहयोग हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को प्राप्त हो रहा है। हमें गर्व है कि इस महामारी के दौर में देश, राज्य व शहर की सेवा में हम लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ कोई भी पॉजिटिव केस अब नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उज्जैन। अभी तक हमारे विदेश से जो आए यात्रियों की जो लिस्ट हमें प्राप्त हुई है मध्य प्रदेश शासन से, वो करीब 410 की है। हमारे ज़िले में हम लोगों ने जो सर्चिंग करा है और हमारे जो ब्लड सैंपल लेके हम लोगों ने जो भिजवाया कोरोना सेंटर के लिए, वो हमारा एक पेशेंट में पॉजिटिव निकला है और उस पेशेंट की हमारी डेथ हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरे बढ़ा दिए हमारे सोर्सेज को। उसके अनुसार हमें करीब 22 लोगों का हमने हमारे क्वारंटाइन पीरियड में आइसोलेशन वार्ड में हमने उनको एडमिट करके उनका सैम्पलिंग 12 लोगों का लिया है। 12 लोगों के सैंपल हमने कल रवाना करे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक आ जाएंगे। इसके साथ ही जो इसके जो कॉन्टैक्ट जो थे हमारे रजा बेग के, जो पॉजिटिव निकली थी और उसकी डेथ हो गई थी, उसके फैमिली मेम्बर का हमने सैंपल भेजे थे, तो वो चारों नेगेटिव आ गए हैं। लेकिन एक लड़का जो कि इंदौर में उनके साथ में वहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती रहा था, उसका पॉजिटिव आया है। तो हम उसकी ट्रेसिंग कर रहे हैं और उसके कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ थे वो हम लोग उसका सर्च कर रहे हैं। वो अभी फ़िलहाल इंदौर में ही है और यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर जो हमारी तैयारी के सवाल है, हमारे युद्ध स्तर पर हमारे अधिकारी कर्मचारी सब लगे हुए हैं जी जान से। हमारे कमिश्नर साहब, हमारे कलेक्टर साहब, IG साहब, SP साहब का पूरा हमें 100% सहयोग प्राप्त हो रहा है हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में। हम बड़े अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि इस वक्त महामारी की घड़ी में हम एकजुट होकर पूरे देश की सेवाओं के लिए, राज्य की सेवाओं के लिए, हमारे ज़िले की सेवाओं में लगे हुए हैं। और उम्मीद है इसी तरह हम जी रहे हैं कि अभी हमारा कोई भी पॉजिटिव केस हमारे उज्जैन में नहीं होगा। ऐसी उम्मीद तले हमें यहाँ पर अभी इस छत्रछाया में हम बैठे हुए हैं।